हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में देखिए, यूनिवर्सिटी ने आपके कुछ रिजल्ट अनाउंस किए हुए हैं, जैसे रेगुलर बैक इम्प्रूवमेंट के, तो वही डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। और साथ ही मैं जो बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट अभी वीडियो देख रहे हैं, उन स्टूडेंट को आगे वीडियो में ये भी बताऊँगा कि जो रिजल्ट है उन लोगों का वो कब आने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की, वो यहाँ पे मैंने ओपन कर रही हुई है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैं रिजल्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मेरे पास ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे नेक्स्ट पेज का। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों के पास यहाँ पे एग्जामिनेशन का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे जो रिजल्ट अभी अनाउंस हुआ है, वो रिजल्ट अनाउंस हुआ है देखिए, कल की डेट में रेगुलर में एम ए इकोनॉमिक्स का जो रिजल्ट है वो अनाउंस हुआ था। आप लोगों को जो है मैंने वीडियो के थ्रू बताया हुआ था। और आज देखिए, बैक पेपर में भी जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है वो एम ए इकोनॉमिक्स का हुआ है। जिन भी स्टूडेंट का प्रोग्राम कोड्स यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन में मैंने बैक पेपर सेलेक्ट किया, और सेशन में मैंने जुलाई 2023 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद प्रोग्राम में देखिए, जो एम ए में यहाँ पे मास्टर ऑफ आर्ट्स, जिनका प्रोग्राम कोड 17, 20 और 21 है, तो इनका जो है रिजल्ट यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया हुआ है। जिन भी स्टूडेंट ने इनके जो है बैक एग्जाम दिए हुए, तो उन लोगों का जो है ये रिजल्ट आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे 21 सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने ये सेलेक्ट किया, उसके बाद ईयर और सेमेस्टर का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों सेमेस्टर का आपका जो रिजल्ट है वो यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया हुआ है। तो जो भी आपका यहाँ पे प्रोग्राम है, सेमेस्टर है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते। तो मैंने यहाँ पे जो है देखिए थर्ड सेमेस्टर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद ऑप्शन आएगा इनरोलमेंट का। तो आपके पास एक इनरोलमेंट आईडी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, तो वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ का। तो डेट ऑफ बर्थ में आप लोगों को देखिए, इसके सामने एक रेड स्टार शो हो रहा है और एक कैलेंडर शो हो रहा है। तो आप लोगों को इस कैलेंडर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस कैलेंडर पे क्लिक कर लेंगे, उसके बाद आप लोगों के सामने देखिए मंथ का ऑप्शन आएगा, और फिर ईयर का, और फिर डेट का। तो पहले आपको मंथ, फिर ईयर और फिर डेट सेलेक्ट करनी है। जैसे ही आप इसको कर लेंगे, तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ का जो बॉक्स है वहाँ पे आ जाएगी। और फिर आपके पास तीन ऑप्शन है, गेट रिजल्ट, रीसेट और डाउनलोड। तो अगर आप लोग सिर्फ अपना जो रिजल्ट है उसको देखना चाहते हैं, तो आप गेट रिजल्ट पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन रॉन्ग फिल की हुई है, तो आप रीसेट पे क्लिक करके ये जो डिटेल्स है वो यहाँ से। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं कि जो बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो उनका रिजल्ट जो है यूनिवर्सिटी कब अनाउंस करेगी। तो देखिए दोस्तों, अभी आपका जो रिजल्ट है, आपको 1 वीक का जो है वेट करना होगा। अगले वीक से बीए के भी जो रिजल्ट हैं वो अनाउंस हो जाएंगे, पूरे चांसेस हैं। क्योंकि देखिए, अभी एमए के रिजल्ट अनाउंस हो रहे हैं, तो एमए के बाद बीए के रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे। तो जब भी बीए का रिजल्ट अनाउंस होगा, आपको इसी प्रकार से, जैसे अभी जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है उसकी वीडियो मैंने शेयर की हुई है आपके साथ, तो सेम उसी प्रकार से जब बीए का भी रिजल्ट अनाउंस होगा, तो उस टाइम मैं आप लोगों के साथ वीडियो बना के शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों, अभी आप लोगों को पता चल गया होगा कि कैसे आपको जो है रिजल्ट अपना जो है डाउनलोड करना है। तो चलिए, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।